आज मैं जो नाश्ता बना रही हूँ बहुत ही कम तेल में और कम सामान से बनता है। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में या टी टाइम स्नैक में आप बना सकते हैं। आइए इसको बनाते हैं। यहाँ हमने चावल और उड़द की दाल को आधा आधा करके गला रखा है 2-3 घंटे। अब हम इसको पीसेंगे। पीसने में आप बिल्कुल 1 से 2 चम्मच का ही पानी का यूज़ करेंगे। इस प्रकार हम सारी दाल को हम पीस लेंगे। आप दाल चाहे जितनी गलाना चाहें आपके परिवार के हिसाब से आप गला सकते हैं। इस प्रकार हम बैटर बना लेंगे। इस बैटर को आप 8 से 10 दिन स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। और इडली डोसा अप्पे आप मन चाहे जब इसको बना सकते हैं। आप खमन भी बना के खा सकते हैं। अब हम इसका मसाला बनाते हैं। यहाँ पे हमने मटर ले रखी है, एक बहुत ताज़े मटर हैं, और 4 से 5 हरी मिर्ची काट रखी है। उसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। इस प्रकार को हमें दरदरा सा पीसना है। अब हम एक बाउल लेंगे। बाउल में हमें जितनी क्वांटिटी में हमें बैटर चाहिए उतना हम डाल लेंगे। एक बार में नाश्ते के लिए इतना बैटर हमारा काफ़ी है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें जीरा, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, और इसको टेस्टी बनाने के लिए हम डालेंगे चिली फ्लेक्स 1 चम्मच। अब हमने जो मटर का बैटर बना रखा है उसको हम डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इस प्रकार का बैटर हमें चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 शीशे का इनो छोटा पाउच, और उसको पानी डाल के हम खिला लेंगे इस बैटर को। ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। अब हम यहाँ पे लेंगे अप्पम पे, उसमें हमने थोड़ा सा तेल लगा रखा है। बहुत ही कम तेल में बनने वाला टेस्टी नाश्ता है। आप जब भी भूख लगे आप फटाफट फ्रिज में से निकाला बैटर और आप बना के इसको खा सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल के हम इसको ढक देंगे। 5 से 10 मिनट के बाद हम इसको पलटेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, नाश्ता कैसा लगा, आप ज़रूर से मेरे को बताइएगा। और आप मेरे बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे मेरे आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए कितना स्वादिष्ट नाश्ता है। अब अप्पे हमारे सब बन के तैयार है। दोनों तरफ से हमने पलट कर सेक लिए हैं। ये से प्रोसेस हमें मीडियम आंच पे करना है। देखिए अब इसको हम तोड़ के देखते हैं। देखिए कितने ग्रीन और टेस्टी दिख रहे हैं। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।